हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंग्स बी मीडिया प्रिपरेशन के बारे में कि किंग्स बी मेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1000 ml के लिए। तो प्रोटीन पेप्टोन चाहिए 20 ग्राम, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए आपका 1 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए आपको 0.4 ग्राम, अगार 20 ग्राम, ग्लिसरॉल 8 ml और पीएच जो होगी वो 7 रहेगी और ये 1000 ml के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो हेप्टाहाइड्रेट है यानी कि MgSO4.7H2O। अब हम डिस्कस करते हैं कि 150 ml आपको कितना कितने अमाउंट में इंग्रेडिएंट जो है वो चाहिए होते होंगे। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो 150 ml के लिए आपको प्रोटीज पेप्टोन चाहिए 3 ग्राम, K2HPO4 चाहिए 0.15 ग्राम, MgSO4.7H2 चाहिए 0.06 ग्राम, अगार चाहिए 3 ग्राम, ग्लिसरॉल चाहिए 1.2 ml और पीएच जो है वो 7 रहेगी 150 ml। तो ये सभी इंग्रेडिएंट सबसे पहले आपको क्या करने हैं, ढूंढ के रख लेने हैं और इतना इतने ग्राम जो है वो वे करने शुरू करने हैं और जो आपके पास फ्लास्क है उसके अंदर उनको डाल के आपको मिक्स करके अच्छे से कॉटन प्लग लगा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है वो 1000 ml के लिए है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इतने इतने ग्राम जो है 1000 ml में जाएगा और ये वाली जो कैलकुलेशन है वो 150 ml के लिए है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीज पेप्टोन की, देन सेकेंड इन्ग्रीडियंट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, फिर है डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, उसके बाद आता है आपका अगार। ठीक है, तो अगार के बाद आता है आपका ग्लिसरॉल। फिर ग्लिसरॉल के बाद हम क्या करेंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट हम एक जगह रख लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास मेज़रिंग सिलेंडर होता है उसमें हम मेज़र करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ml जो है मेज़र करके रख लिया है, इसमें से थोड़े सा अमाउंट ऑफ वाटर मैं क्या करूँगी फ्लास्क के अंदर डाल दूँगी। ठीक है, वो इसलिए डाली क्योंकि जो भी मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालूँगी वो सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो मान लो फ्लास्क से चिपका रहता है तो उसके बाद जो है बचा हुआ अमाउंट जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं साइड से, जिससे जो इंग्रेडिएंट का बचा हुआ अमाउंट जो चिपका हुआ है फ्लास्क पे वो चिपका ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फ्लास्क के अंदर डाल लिया है और सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से रख लिया है। अब मैं वेक करना शुरू करूँगी। तो वे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर रख के टेयर करना है और टेयर करने के बाद ही आपको क्या करनी है, वेइंग करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक इंग्रेडिएंट लेकर के आपको क्या करना है, अब यहाँ पर वे करना है। तो सबसे पहले प्रोटीज पेप्टोन को हमने वे किया और प्रोटीज पेप्टोन को जो हमने वाटर रखा था उसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और फिर अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स करना है डालने के बाद। फिर सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है अगार। ठीक है, अगार को भी हमने वेक किया और उसके बाद उसको भी अच्छे से डाल करके क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका डाई पोटेशियम वाला। ठीक है, तो डाई पोटेशियम वाले को भी हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे और वे करके फिर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वे करके रखा हुआ था तो उसको भी हमने किस में डाल दिया है, जो कि है जिसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट को डाल रहे हैं उसके अंदर ही इसको भी मिक्स कर देंगे। अब आपका बचता है MgSO4 वाला, तो अब क्या करेंगे हम MgSO4 हेप्टाहाइड्रेट वाले को भी वे करेंगे और वे करने के बाद उसको भी क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। यानी कि आपको एक एक इंग्रेडिएंट को क्या करना है, मेज़र करना है और जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर है उसके अंदर क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हम डालेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमारा जो जाएगा वो जाएगा 1.2 ml,
तो आप पाइपेट की हेल्प से भी डाल सकते हैं या फिर आप मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प लेकर के उससे भी डाल सकते हैं। सो ग्लिसरॉल थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है, तो मेजरिंग सिलेंडर पे वो चिपक गया था, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर आपका बच रहा है आप उसमें से लेकर के उसको अच्छे से मिक्स करके आप इसमें अपना जो मीडिया है उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद बचा हुआ वाटर जो है 150 बनाने के लिए जो आपका वाटर बचा हुआ है वो साइड से आप डालते हुए, यानी कि जो फ्लास्क है उसके साइड से डालिए, यानी कि जितना भी इन्ग्रीडियंट अगर आपके मीडिया पर चिपका है तो वो सारा निकल जाए और वो नीचे आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन प्लग इसमें लगाएंगे, और कॉटन प्लग लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको पैक करेंगे, फिर पैक करने के बाद यानी कि रैप करते हैं हम न्यूज़पेपर की हेल्प से या फिर किसी भी पेपर की हेल्प से, और नेमिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव में लगा देते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं हम अपने बैक्टीरिया के कल्टिवेशन के लिए।